गुड मॉर्निंग, शो मी दैट क्यूट लिटिल फेस। तो गाइस अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे मिल्क बास्केट की ये वैन आती है और इसी में ही मिल्क और जो भी आपने मंगाया है वो डिलीवर होता है, तो मुझे जाके नीचे कलेक्ट करना पड़ेगा। ये दो शेव आ गई है मेरी यार। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग डैडी। हैप्पी सैटरडे। हैप्पी सैटरडे। क्या प्लान है आज का? आज का मैंने ये पूरा दिन प्लान किया हुआ है। हाँ यार, प्लीज अच्छी तरह प्लान करो, मेरा वीकडे इतना हेक्टिक गया, इतना हेक्टिक गया। मैं देखती हूँ यार, तुम कितना लेट सो रहे हो, कितने वीक भी हो गए हो। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम पूरा दिन बाहर रहेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक राइट अवे रेडियो के जाएंगे। फिर प्लान क्या है? सबसे पहले चलते हैं मॉल, ठीक है? तुम वहाँ पे अपना पूरा शेव करा लेना, हेयर कट करा लेना। कबू को मैं फन सिटी ले जाऊंगी, वो खेल भी लेगा, उसका मन कर रहा है, ठीक है। बट उसके बाद लंच के लिए मेरी फेवरेट जगह। नहीं प्लीज, नहीं, हमने डिसाइड किया था ना इटालियन रेस्टोरेंट में जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, जापानीज ही जाएंगे, फूजी जाएंगे, हम फूजी जाएंगे, सीपी, ठीक है, सीपी चलेंगे। लंच के बाद थोड़ा मेरे को कॉफी पीने का मन करता है, तो अच्छा लंच किया और उसके बाद सिर्फ खाने की बातें करियो। फूजी में अगर लंच करेंगे तो ओडियन में मूवी देखेंगे, जो लेटेस्ट एक्शन थ्रिलर आया है, मुझे वो देखना। रोमांटिक यार, ये क्या बात है? नहीं रोमांटिक, अच्छा चल ठीक है, ओके। उसके बाद स्टारबक्स। हाँ ठीक है, स्टारबक्स चलेंगे और फिर रात को किसी पब में चिल करेंगे थोड़ी देर के लिए, मजा आएगा। कितना टाइम हो गया यार, बहुत लेट। और फिर इंडिया गेट का चक्कर मार के वापस आएंगे, आइसक्रीम खा के। परफेक्ट, चलो चलो चलो, दैट्स एन एक्सीलेंट प्लान मेड बाय मॉमी। तो गाइस डोसा थोड़ा थिक बन रहा था तो मैंने बैटर को थोड़ा पतला कर लिया और उसके बाद लग रहा है कि ये कंसिस्टेंसी जो है वो ठीक होगी और ये वाला डोसा ठीक निकलेगा। बट एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ मैं डोसा और सांभर, तो लेट्स सी कैसा लगता है सबको। तो मानसी टेस्ट करके बताओ कैसा है। आई कांट वेट। क्या सांभर बनाया यार, इतना टेस्टी, माय गॉड। गाइस वैसे मैं मानसी का सीक्रेट बताता हूँ। नहीं बिल्कुल सीक्रेट है, सच में बता रही हूँ, बहुत अच्छा बनाया है, इतना टेस्टी बना है। चलो वेरी नाइस, वन मोर डोसा। वेरी नाइस, डोसा अच्छा नहीं बना लेकिन ठीक बना है। डोसा का कुछ भी शेप हो, सांभर का होना चाहिए टेस्ट। बनाओ फ्लावर, स्टार्ट करो। कबीर को आता है बनाना फ्लावर? बहुत अच्छा फ्लावर आता है, तुम्हें देखना है। हाँ बिल्कुल। मानसी ब्रेकफास्ट कैसा था? ब्रेकफास्ट इतना अच्छा था, अब से मैं कभी सागर रत्ना नहीं जाऊंगी, मैं सौरभ रत्ना। अच्छा सौरभ रत्ना चले जाऊंगी। हाँ जी बोलो। What are you gonna make? तो बेसिकली ये प्लान कैंसिल है मॉल वाला? ये प्लान कैंसिल है, फूजी चलते हैं लंच के लिए सीपी। बट फन सिटी कितना मस्ती होता ना, होता। बट कबीर को कैसे एंगेज करें? कबीर अब तुम्हारे लिए फ्लावर बना रहा है, तुमने इतना अच्छा नाश्ता कराया उससे। हाँ दिखाओ फ्लावर, ये देखो डैडा, दैट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर। कबीर आपका फ्लावर तो इट्स लेटर डी। इफ योर्स इज अ नाइस फ्लावर यू मेक ना, आई विल गिव यू पे। तो आंखें देखो, आंखें देखो इसकी, नॉटी की आंखें। बताओ मुझे डैडा को बोलो एक बार, व्हाट डू यू वांट मी टू सी, ब्यूटीफुल फ्लावर बनाया यार। चलो डैडा गिव पॉइंट्स। चलो हम मॉल तो नहीं जा पाए लेकिन घर पे भी मस्ती चल रही है, कबीर एंगेज्ड हैं, यही हमें चाहिए। और अभी हम फटाफट इसके बाद रेडी हो जाएंगे क्योंकि हमें लंच पे फूजी जाना है जापानीज क्यूजीन के लिए। तुम रेडी नहीं हो अभी तक? बस अब जाके तो घर की सफाई कंप्लीट हुई है, तो कब की मसाज हो गई, अब मैं उसके जाके नहा लेती हूँ, टाइम तो हो ही गया लेट। एक काम करते हैं लंच घर में ही कर लेते हैं। अरे यार ये क्या है यार, तुम दूसरा प्लान कैंसिल कर रहे हो यार, बहुत ही 2 बज गए, घर पे लंच कर लेते। पक्का? हाँ मूवी देखने चलेंगे। ठीक है ओके। बात डन है, लंच डन है, अब मैं बोल रही हूँ सौरभ को मूवी चलने के लिए, तो सौरभ को जाना नहीं है। क्या हुआ, क्यों मूवी नहीं जाना आप? क्या हुआ, अब मूवी क्यों नहीं जाना सौरभ? इतना तो टाइम लगा दिया, सुबह का प्लान कैंसिल करवा दिया, ये करना था, फिर लंच का प्लान कैंसिल करवा दिया कि भाई ये काम है वो काम है, तो फिर अभी बैठो घर में। फिर ऐसे थोड़ी होता है यार, टाइम पे रेडी होना चाहिए ना। चलो एक काम करते हैं ना, नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, अब तो कबू भी सो गया है। ओए मेरा स्वीट हार्ट,
तो नेटफ्लिक्स देख लेते हैं। हाँ तो ठीक है, देख लेंगे, बट हमारा प्लान था ना कि भी बाहर जाके मूवी देखेंगे इतने टाइम बाद। कोई बात नहीं, बहुत सारा काम हो गया, ऐसे देखो ना। ठीक है, कौन सी मूवी देखनी है? एनाबेल। मानसी कैसी लगी मूवी? मूवी बहुत डरावनी थी गाइज। एनाबेल कम्स होम मत देखना, आपको काफ़ी डर लग जाएगा। मैं और सौरभ तो बिल्कुल हॉरर, मतलब वी लव हॉरर मूवीज, इसलिए हम सारी हॉरर मूवी जरूर देखते हैं। बट मजा आया हॉरर मूवी देखने का, क्योंकि तुमने मुझे इतनी अच्छी मूवी दिखाई। अब मैं फाइनली हो गई हूँ रेडी। चलो अब हम कॉफी पीने चलते हैं, क्योंकि डे एंड होना था कॉफी से, तो कॉफी पी लेते हैं। स्टारबक्स। ओके लेट्स गो। अरे नाइस, यू लुकिंग नाइस, तुम भी रेडी हो? यस, ये मेरी मम्मी लाई थी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की शर्ट है, बिल्कुल नई। मैंने को लगा कि इतने टाइम बाद हम बाहर जा रहे हैं, तो कुछ नया पहनना चाहिए। इट्स अ डेट, क्योंकि कबीर अभी तक सो रहा है, तो फटाफट होके आ जाते हैं। यस, एब्सोल्युटली, लेट्स गो। टू कोल्ड कॉफीज, टॉल टॉल, या नो स्मॉल और मीडियम। बट स्टारबक्स मुझे दिख नहीं रहा था। अरे स्टार्स ये रे। अच्छा, और बक्स ये रे। कुल मिला के 100 bucks तो होंगे। अच्छा, तो इसकी कॉफी पियेंगे हम लोग। हाँ। चलो ओके, आज मेरी ट्रीट है। चलो ऑर्डर आ गया। माय गॉड, यम्मी। मैंने बोला ग्लासेस में दे दो। हाँ, हाँ। प्लास्टिक और उस सब में नहीं, नहीं प्लास्टिक तो आई डोंट लाइक इट ऑल। चीयर्स। ऑल टाइम फेवरेट, अमेजिंग, वाओ। कोल्ड कॉफी की बात ही कुछ और है। हम व्यूअर्स को भी सारा व्यू दिखा देते हैं। इट्स सच एन अमेजिंग फीलिंग टू कम आउट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। या आई थिंक एवरीबॉडी शुड जॉइन अस। तो गाइस, ये है हमारा व्यू। इट्स सच अ नाइस फीलिंग एंड वी आर हैविंग एन अमेजिंग टाइम। कॉफी जो है वो बहुत अच्छी बनी हुई है और व्यू भी बहुत अच्छा है। स्टारबक्स की कॉफी हमें हमेशा अच्छी लगती है। एनीथिंग एल्स? अपना टेबल दिखाएं। तो ये हमारा टेबल है। ये बहुत सिंपल टेबल है एक्चुअली। ये बहुत ब्यूटीफुल एक घर पे बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कैसे बना सकते हैं? नीचे क्या है? नीचे हमारी बहुत पुरानी, बरसों पुरानी बाल्टी है। ओके और एक पिल्लो कवर। हंस क्यों रहे यार, इट्स सच अ नाइस फीलिंग। फाइनली बाहर तो आए, बट मेरा शेव रह गया यार। मैं कल कर दूंगी। पक्का? पक्का, उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे गाइस, क्योंकि फाइनली सौरभ हैज अग्रीड कि वो मुझे अपना बियर्ड शेव करने देगा और उसको हेयर कट देने देगा। But right now I just want to enjoy this nice feeling of being outside and being on a date. मैं actually बोलने वाला था अंदर चलें, मच्छर काट रहे हैं बहुत ज़्यादा। तुम्हें किसने कहा था निक्कर पहन के आऊँ? तुम निक्कर नीचे क्यों पहन गए? मैं पैंट पहन के आई हूँ।